नमस्कार दोस्तों, स्टॉक बूमर्स में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं डिफरेंट फोर स्टॉक्स का बारे में आपसे डिस्कशन करूंगा, और इन चारों स्टॉक में अगर देखा जाए बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन, इस स्टॉक के अंदर आने वाले टाइम में आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आपको पूरा बताने का कोशिश करूंगा कि हर स्टॉक के अंदर एंट्री लेवल कहाँ पे आपका लेना चाहिए, स्टॉप लॉस किस हिसाब से कौन सा लेवल पे प्लेस करना चाहिएगा और टारगेट आपको किस हिसाब से मिलेगा। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। द नेम ऑफ द फर्स्ट स्टॉक इज रेडिको कोइतन। रेडिको कोइतन का जो स्टॉक मैंने आपके सामने डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन करके रखा है, आप देखिए कि इस स्टॉक के अंदर जो पैटर्न बन रहे हैं, आप देखिए कि एक हायर लो पैटर्न फॉर्म होते जा रहा है, और प्राइस देखिए प्रीवियस ये जो स्विंग जो हाई था, स्विंग हाई को प्राइस ने ब्रेक कर दिया, और प्रीवियस जो स्विंग हाई हम लोगों को देखने को मिल रही है करीब 1300 के आसपास। तो एज पर प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर एक हायर लो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, और रिसेंटली इस स्टॉक ने ये जो प्रीवियस जो स्विंग था, इस स्विंग को हाई को ब्रेक किया, और उसके बाद प्राइस थोड़ा रिट्रेस कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप अपना वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग, और कौन सा लेवल पे इस स्टॉक के अंदर आपका एंट्री लेना चाहिए, चलिए मैं आपको थोड़ा इन डिटेल्स बता देता हूँ। तो इस आप देखिए कि इस ये जो स्टॉक जो प्री मतलब जो ट्रेडिंग कर रहा है, ये के चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, और प्रीवियस ये जो स्विंग जो हाई था, प्राइस ने इस स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया। तो एंट्री लेने के लिए आपको कौन सा लेवल सुइटेबल रहेगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देखिए कि कौन सा लेवल पे मतलब ये जो स्विंग हाई है, इस स्विंग हाई को प्राइस ने जो ब्रेक किया, तो डिमांड जोन कहाँ पे है, इस डिमांड जोन को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस चार्ट को थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे प्लॉट करने का कोशिश करेंगे। तो मैंने 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को प्लॉट किया है थोड़ा सुइटेबल एंट्री लेवल को डिफाइन करने के लिए। आप देखिए कि प्राइस ने ये जो ब्रेक किया था करीब 1133, ये जो लेवल है, इस स्विंग हाई को प्राइस ने ब्रेक किया, और करीब 1132 से लेकर 1130 ये जो लेवल है मैंने ऑलरेडी जो मार्क करके रखा है, इस लेवल के आसपास शॉर्टर टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन देखने को मिल रहा है। तो ये जो लेवल है करीब 1130, इस लेवल को आप अपना वॉच लिस्ट में मतलब चार्ट के अंदर मार्क करके रखिएगा, मिल जाता है तो आप अपना पोजीशन बना सकता है, कीपिंग स्टॉप लॉस नियर 1122। तो इसमें टारगेट जो प्रीवियस ये जो सप्लाई जोन हम लोगों को जो देखने को मिला, प्रीवियस सप्लाई जोन है अप्रोक्सीमेटली ये 1174 के आसपास आपको आने वाले टाइम में इस स्टॉक के अंदर टारगेट देखने को मिल सकता है। और ये जो सप्लाई लाइन है, इस सप्लाई लाइन अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो चैनल के अंदर नेक्स्ट जो टारगेट आपको मिल सकता है ये करीब 1220 के आसपास टारगेट देखने को मिल सकता है। दोस्तों, नितिन स्पिनर्स इस स्टॉक के अंदर अगर देखेंगे तो एक डाउनवर्ड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। आप देखिए कि प्राइस ने ये जो हाई जो बनाया था, उसके बाद प्राइस के अंदर एक लोअर लो पैटर्न फॉर्म हो रहा है, या लोअर हाई पैटर्न फॉर्म हो रहा है। उसके बाद देखिए प्राइस ये जो लो जो फॉर्म किया था 20 जून, इस 20 जून से जून के बाद अब देखिए प्राइस इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, और इस लेवल पे प्राइस ने लोअर हाई बनाने के बाद कोई लोअर लो पैटर्न फॉर्म नहीं किया है। और ड्यूरिंग डिसम्बर मान 2020 में आप देखिए कि इस लेवल पे जो जून 21 जून को प्राइस ने जो लो बनाया था, तो इस लो के आसपास प्राइस ये जो लेवल है, इस लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है, और प्राइस देखिए एक हायर लो पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो इस स्टॉक को आप अपना वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और इस स्टॉक को मैं थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इस स्टॉक के अंदर किसी हिसाब से
प्राइस एक्शन डेवलप्ड हो रहा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। दोस्तों आप देखिए कि ये जो फिलहाल प्राइस जो प्रिंट कर रहा है, एक ट्रेंड चैनल मतलब अपवर्ड ट्रेंड चैनल के अंदर प्रिंट कर रहा है, और जो चीज मैं आपको बता रहा था, आप देखिए कि प्राइस के अंदर एक चेंज ऑफ कैरेक्टर इस लेवल पे हम लोगों को देखने को मिला, और प्राइस ये जो लो जो मतलब जो एक डबल बॉटम फॉर्मेशन किया कि 23 दिसंबर को प्राइस ने जो लो बनाया था, नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ट्रेडिंग सेशन में इस लो को प्राइस ने रिजेक्ट कर दिया, और इस लेवल से प्राइस के अंदर एक डिमांड हम लोगों को देखने को मिला। और फिलहाल अगर आप प्राइस को थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मतलब माइनरली मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक के अंदर किस हिसाब से प्राइस एक्शन देखने को मिला। आप देखिए कि प्राइस के अंदर ये जो स्विंग जो हाई था, प्राइस ने स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया है, और प्राइस ये जो इस स्विंग हाई करीब 211 के आसपास प्राइस ने जो ब्रेक किया है, तो इस लेवल को ब्रेक करते हुए प्राइस का अंदर जो डिमांड जोन हम लोगों को देखने को मिला है करीब 207 से लेकर 202, ये जो लेवल मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा है, इस लेवल प्राइस के अंदर एक डिमांड जोन के तरह काम कर रहा है, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी एक चैनल के अंदर प्रिंट कर रहा है, और ये जो लेवल मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, ये एक डिमांड जोन के तरह काम कर रहा है। फिर अगर आप देखेंगे कि प्राइस इस लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है एलोंग विथ ये जो ट्रेंड लाइन का, ये जो लोअर जो ट्रेंड चैनल है, ट्रेंड चैनल का लाइन को प्राइस ने रेस्पेक्ट कर रहा है, और फिर से प्राइस कोशिश कर रहा है कि अपवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करने के लिए। ऑलमोस्ट प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में प्राइस ने 214 तक क्लोजिंग दिया है, तो इस स्टॉक को कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, तो मैं आपको लेवल एग्जैक्ट बता देता हूँ। मैं चार्ट को थोड़ा शॉर्टर टाइम फ्रेम प्लॉट कर लेता हूँ, 110 के आसपास इस लेवल पे प्राइस अगर मिल जाता है, क्योंकि प्राइस ये जो डिमांड जोन है, जरूर एक बार इस डिमांड जोन को प्राइस आने वाले टाइम में एक बार टेस्ट करने के लिए आ सकता है, स्टॉप लॉस नियर 206 के आसपास, और टारगेट जो रहेगा प्राइस स्ट्रक्चर्स आप इस 210 के आसपास अपना टारगेट को सेट कर सकता है। और ये जो सप्लाई लाइन है, सप्लाई लाइन अगर ब्रेक हो जाता है, तो नेक्स्ट जो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, ये करीब 232 के आसपास मिल सकता है। नेम ऑफ द थर्ड स्टॉक इज सेनेडर इलेक्ट्रिक। देखेंगे कि ये जो स्विंग हाई जो था, स्विंग हाई ने प्राइस को मतलब प्राइस ने स्विंग हाई को ब्रेक कर दिया, और ये जो स्विंग हाई जो ब्रेक किया है, तो इस ब्रेक करने के लिए प्राइस का जो डिमांड जोन हम लोगों को देखने को मिला, तो इस लेवल पे प्राइस के अंदर एक डिमांड जोन देखने को मिला, और उसके बाद आप देखिए कि प्राइस इस डिमांड जोन को फिर से रिटेस्ट किया है करीब दिसंबर एंड तक, 27 दिसंबर ने पर प्राइस ने फिर इस डिमांड जोन को टेस्ट किया। मैं तो प्राइस ने ये जो स्विंग हाई जो ब्रेक किया है, तो स्विंग हाई ब्रेक जो हुआ मतलब प्राइस ने जो ब्रेक किया है, तो इस प्राइस का जो डिमांड जोन देखने को मिला था, डिमांड जोन इस लेवल पे करीब 140 के आसपास, ये जो लेवल है, इस लेवल प्राइस के अंदर मतलब इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन प्राइस को देखने को मिला। उसके बाद आप देखिए कि प्राइस फिर करीब 27 दिसंबर के आसपास इस लेवल से सपोर्ट लेते हुए फिर से कोशिश किया है कि अपवर्ड डायरेक्शन में प्राइस ने प्रिंट किया है, तो इस स्टॉक को आप अपना वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि ये जो डिमांड जोन जो किया है मतलब जो क्रिएट हुआ है, इस डिमांड जोन एक स्ट्रॉन्ग लेवल के हिसाब से काम कर रहा है इस स्टॉक के अंदर। फिर आप देखिए कि स्टॉक ने ये जो स्विंग जो हाई था, इस स्विंग हाई को भी प्राइस ने ब्रेक किया, तो उस लेवल पे जो डिमांड जोन हम लोगों को देखने को मिला, तो आप देखिए कि इस लेवल पे एक डिमांड जोन देखने को मिला, और करीब 160 के आसपास ये जो लेवल है, इस लेवल पे एक डिमांड जोन के तरह काम कर रहा है। और रिसेंटली अगर आप प्राइस एक्शन देखेंगे, आप देखिए कि प्राइस एग्जैक्ट इस लेवल पे लेवल के आसपास आने के बाद एक सपोर्ट लेने का कोशिश कर रहा है। ये जो डिमांड जोन मैंने ऑलरेडी प्लॉट करके रखा है, प्राइस अभी फिलहाल 173 के आसपास प्रिंट कर रहा है, तो 173 या जो करेंट प्राइस है मतलब ये जो जोन है, इस लेवल पे प्राइस अगर मिल जाता है, तो आप इस स्टॉक को अपना वॉच लिस्ट में या तो पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, और टारगेट जो आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिलेगा, इमीडिएट जो स्विंग जो हाई है करीब 187 के आसपास, क्योंकि इस लेवल पे देखिए एक सप्लाई जोन है, तो इमीडिएट जो आपको टारगेट मिल सकता है इस स्टॉक से, तो 187 के आसपास मिल सकता है, और 187 अगर ये प्राइस ने ब्रेक मतलब ब्रेकआउट कर देता है, तो नेक्स्ट जो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है, ये करीब
95 के आसपास, तो 187 टू 195 इस स्टॉक के अंदर आपको आने वाले टाइम में रिटर्न देखने को मिल सकता है। स्टॉप लॉस दोस्तों जो अगर आपको मेंटेन करना है तो करीब 169 के आसपास इस स्टॉक के अंदर अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकता है। तो ड्यूरिंग लाइव मार्केट मैं कोशिश करता हूँ कि मतलब कोई भी पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज मिल सकता है, चाहे स्विंग ट्रेडिंग, डेली ट्रेडिंग ये स्टॉक के अंदर या बैंक निफ्टी के अंदर, तो मैं मेरा टेलीग्राम चैनल पे सूटेबल कोई अपॉर्चुनिटीज रहता है तो मैं कॉल भी पोस्ट करता हूँ। अगर आप चाहे तो मेरा टेलीग्राम चैनल में फिलहाल फ्री में ज्वाइन भी कर सकता है, रेगुलर पोस्ट करता हूँ मेरा टेलीग्राम चैनल पे, तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो मेरा टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों फोर्थ और आखिरी स्टॉक का नाम है रेपको होम फाइनेंस, और रेपको होम में आप देखिए कि डाउन डायरेक्शन में प्रिंट करते हुए हम लोगों को देखने को मिला, और उसके बाद आप देखिए कि ये जो ऑन 27 अप्रैल मतलब अप्रैल महीने का आसपास प्राइस के अंदर जो स्विंग हाई जो था प्राइस ने ब्रेक कर दिया, मतलब इधर एक का चेंज ऑफ कैरेक्टर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला है, और प्राइस इस स्विंग हाई के आसपास सपोर्ट लेते हुए कोशिश कर रहा है कि दोबारा ये अपवर्ड डायरेक्शन में प्रिंट करने के लिए एटलीस्ट प्रीवियस जो सप्लाई जो लाइन है सप्लाई को और मतलब सेकेंड टाइम प्राइस कोशिश कर रहा है कि टेस्ट करने के लिए। और पैटर्न अगर आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम करके आपको बताना चाहूँगा कि इस स्टॉक के अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम में या तो सप्लाई जोन या तो डिमांड जोन कौन सा लेवल पे प्रिंट करते हुए दिखाई दे रहा है, और किस लेवल पे इस स्टॉक के अंदर आपको पोजीशन लेना चाहिए, या तो आप इस स्टॉक को अपना मतलब वॉच लिस्ट में एडुकेशनल पर्पज़ के लिए भी शामिल कर सकते हैं। तो मैं चार्ट को थोड़ा जूम करके आपको बताता हूँ कि इस स्टॉक के अंदर कौन सा लेवल पे डिमांड या सप्लाई देखने को मिल रहा है। दोस्तों आप देखिए कि प्राइस ने ये जो हाई जो बनाया था मतलब कॉन्जिक्यूटिव ये जो एटलीस्ट 5 डेज प्राइस के अंदर एक अपवर्ड डायरेक्शन देखने को मिला, और उसके बाद आप देखिए कि अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा अप्रोक्सीमेटली 100 ट्रेडिंग सेशन इस स्टॉक के अंदर एक रेंज बाउंड ट्रेड हम लोगों को देखने को मिला। तो ये जो ट्रायंगल के जो मिड पॉइंट है ट्रायंगल का मिड पॉइंट है, आप इस अपना एंट्री के लिए इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। और क्योंकि अब देखिए कि ये जो प्राइस ने जो स्विंग हाई और जो स्विंग लो जो बना रहा है, आप देखिए कि प्राइस इस लेवल पे एक डिमांड जोन प्राइस के अंदर देखने को मिल रहा है। मैं चार्ट को शॉर्टर टाइम फ्रेम पर अगर प्लॉट करता हूँ, आप देखिए अगर आप देखेंगे कि प्राइस के अंदर शॉर्टर टाइम फ्रेम पे भी क्या है कि एक मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर्स देखने को मिल रहा है, और प्राइस देखिए कि एक हायर लो और पैटर्न फॉर्म कर रहा है। तो इस लेवल के आसपास मतलब ये जो ब्रेकआउट जो स्ट्रक्चर्स प्राइस ने किया है, तो डिमांड जोन जो देखने को मिले करीब 228 के आसपास, मतलब ये जो लेवल है 228 से लेकर 227 के आसपास, इस लेवल प्राइस के लिए एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के हिसाब से काम कर रहा है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अगर रेपको होम अगर मिल जाता है करीब 227 से लेकर 280 इस लेवल के आसपास अगर रेपको होम अगर मिल जाता है, तो आप अपना वॉच लिस्ट में इस स्टॉक को शामिल कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग या तो शॉर्ट टर्म या तो मिड टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, और स्टॉप लॉस इन सच केस आपको जो मेंटेन करना पड़ेगा ये करीब 216 के आसपास अब अपना स्टॉप लॉस प्लेस कर सकता है। टारगेट जो आपको देखने को मिले करीब 273 के आसपास जो पहला जो टारगेट है इस लेवल मतलब जो सप्लाई जो जोन है सप्लाई जोन तक तो प्राइस आने वाले टाइम में टेस्ट कर सकते हैं, और इस लेवल अगर ब्रेकआउट हो जाता है मतलब 273 अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट जो आपको टारगेट देखने को मिल सकता है ये करीब 325 के आसपास आने वाले टाइम में टारगेट देखने को मिल सकता है, मतलब ये सप्लाई लाइन अगर ब्रेकआउट हो जाता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।